नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रवण चौधरी। प्रदेश 75 का वक्त हो गया है। सबसे पहले पंजाब की 25 खबरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी विधायक पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ आज कर सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। मिसेस सिद्धू ने अकाली दल के साथ गठबंधन जारी रखने पर चुनाव न लड़ने का किया था ऐलान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, पाकिस्तान पठानकोट हमले के प्रति गंभीर नहीं, भारत के सबूतों को नजरअंदाज करके पाकिस्तान सोने का नाटक कर रहा है। पठानकोट आतंकी हमले की ऑपरेशन का खर्च पंजाब सरकार से मांगने पर सुखबीर बादल की केंद्र को नसीहत, बोले ये राष्ट्रीय मुद्दा है, केंद्र सरकार खुद उठाए खर्च। केंद्र सरकार की तरफ से पठानकोट हमले का खर्च मांगे जाने के मुद्दे पर पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर ढींडसा ने कहा कि सरहदी इलाका होने की वजह से केंद्र को सुरक्षा के मद्देनजर करना चाहिए ज्यादा पैकेज का ऐलान। कैप्टन अमरिंदर के डेरा सचखंड के बाबा निरंजन से मिलने पर बोले सुखबीर बादल, कहा कैप्टन की मर्जी जहां चाहे जाए लेकिन अकाली दल जनता के बीच जाएगा। लुधियाना में कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के डेरे के दर पर जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा राजा साहब को याद आई गरीबों की घबराहट में कैप्टन गए डेरों में। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने फिर कहा कि बीजेपी से गठबंधन अटूट रहेगा, 2017 में भी बीजेपी को 23 सीटें दी जाएंगी। सुखबीर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सुखबीर ने कहा कि केजरीवाल पहले दिल्ली के हालात देखें। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मजीठिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं और पंजाब के लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने कैप्टन के डेरा मुखी से मुलाकात को बताया कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करने की कवायद, आम आदमी पार्टी को कहा वोट कटवा लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने का शकील अहमद ने किया दावा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली के चप्पड़चिड़ी में राज्य स्तरीय पेंशन वितरण समारोह में हिस्सा लिया, कहा कि पंजाब सरकार ने डबल किया है लाभार्थियों की पेंशन को। मोहाली में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सीएम विज्ञान यात्रा के तहत 11 बसों को हरी झंडी दिखाई। योजना के तहत करीब 3.5 लाख बच्चों को साइंस सिटी दिखाई जाएगी। सीएम बादल की तरफ से रवाना की गई बसों में बच्चों को दिखाई जाएगी कपूरथला साइंस सिटी। स्कीम के तहत 3.5 लाख बच्चों को दिखाई जाएगी साइंस सिटी। इस कार्यक्रम में दिखे सभ्याचार के रंग, छात्रों ने डाला गिद्धा और छात्राओं ने गिद्धा डाला और कई पंजाब की विरासत और कला के रंग पेश किए। जलंधर में पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही पेंशन वितरण का हुआ कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कार्यक्रम में शिरकत की। पेंशन स्कीम में पंजाब सरकार के फैसलों में अपंगों, बुजुर्गों और महिलाओं को ज्यादा राहत मिलने का किया जिक्र। लुधियाना में बुजुर्गों को पेंशन देने पहुंचे पंजाब के वित्त मंत्री ढींडसा ने केंद्र से बजट में पंजाब के किसानों के लिए कर्ज में कम ब्याज दर, एमएसपी बढ़ाने, किसानों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग की मांग की। लुधियाना में पंजाब के वित्त मंत्री ढींडसा ने कांग्रेस के सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी के केंद्र से बजट में पंजाब के लिए कोई मांग ना किए जाने के आरोप को गलत बताया। कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से की है बजट में पंजाब के लिए बड़े पैकेज की मांग। सियाचिन के शहीद कैप्टन अश्विनी कुमार के परिवार को अभी इंसाफ की उम्मीद, शहीद के नाम पर घोषित हुई राशि और छोटे भाई को अभी तक नहीं मिली नौकरी। परिवार 2 महीने से डेप्यूटी कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पलूका में कनाडा के मंत्री अमरजीत सिंह सोही के पिता का उनके पुश्तैनी गांव बनफौरा में मौत हो गई है और अंतिम संस्कार में अमरजीत सिंह
ने शिरकत की और सभी सियासी पार्टियों ने मौत पर दुख जताया। लुधियाना पुलिस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के थाना श्रीनगर जिला पाड़ी गढ़वाल के थाने में पुलिस को फोन कर दी थी धमकी। आरोपी उत्तराखंड में अपने झगड़े की सुनवाई ना होने से था परेशान। बठिंडा जीआरपी ने अवध आसाम ट्रेन से एक युवक के पास से बरामद किए 15 पिस्टल, 10 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस। आरोपी सुभाष नगर पुलिस हिरासत में लिया गया। मुआवजे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर मोहाली में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भारतीय टीम के फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने T20 वर्ल्ड कप और 24 फरवरी से शुरू हो रही एशिया सीरीज में जीत की उम्मीद जताई। भज्जी ने पंजाब में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कही। फरीदकोट में गुंडागर्दी का नंगा नाच। मामूली खासुनी पर झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लुधियाना के लोगों की रेल मंत्री से फरियाद। बेहतर ट्रेन, अच्छी क्वालिटी के खाने के साथ रेल भाड़े में और इजाफा ना करने की अपील। जाप के बाद अब बारियां हरियाणा की 25 खबरों की। हरियाणा में उग्र हुआ जाट आरक्षण आंदोलन। रोहतक में हुई मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़। सीएम मनोहर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। हरियाणा सरकार ने रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों में आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए IRP बटालियन रवाना की। प्रदेश सरकार ने केंद्र से और भी फोर्स मांगी। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हरियाणा में जारी है जाट आरक्षण की आग। जाट नेताओं ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सीएम खट्टर ने की जाट नेताओं से आंदोलन खत्म करने की अपील। आंदोलन के चलते प्रदेश के करीब 44 ट्रेन प्रभावित। रोहतक डीसी के आदेश, 21 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रोहतक और हिसार में इंटरनेट सेवा ठप। जाट एजुकेशन सोसाइटी के सभी स्टूडेंट्स ने कॉलेज पर जाम लगा दिया। रोहतक दिल्ली NH10 को बंद होने की वजह से छात्र कॉलेजों तक नहीं पहुंच पा रहे और प्राइवेट स्कूलों में CBSE की परीक्षा शुरू हुई है लेकिन बच्चे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। गुरुवार को रोहतक में इस मसले ने हिंसक रूप ले लिया। आरक्षण के समर्थन में धरने पर बैठे वकीलों के साथ कासुनी के बाद पुलिस की मौजूदगी में जमकर कुर्सियां चली। साथ ही शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई जिनमें 10 मोटरसाइकिलें चला दी गई तो कई वाहन तोड़ दिए गए। हिसार में भी दिखाई दिया जाट आंदोलन का असर। आज 7वें दिन भी जारी है आंदोलन, कई जगह उग्र प्रदर्शन। आंदोलन के कारण आज से हिसार में भी स्कूल कॉलेज बंद। झज्जर में जाट आरक्षण को लेकर लगे जाम से जनजीवन प्रभावित। आम लोगों के साथ ही छात्र भी प्रभावित। सरकार की राजस्व में करोड़ों का नुकसान। ठप पड़ी है रोडवेज बसें। लगातार 5 दिन से जारी है जाट आंदोलन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने नाम लिए बगैर पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधा। जाट आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। हुड्डा का बॉयकॉट कर रहे हैं लोग। पूर्व सरकार ने समय रहते नहीं दिया आरक्षण। जाट आरक्षण के हक में है खट्टर सरकार। जींद में जाट आंदोलन के चलते बस सेवा पूरी तरह से ठप। सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज ने लिया बसें ना चलाने का फैसला। सभी रूट्स पर अनिश्चितकाल के लिए बस सेवा बंद। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने जाट आरक्षण के लिए बीजेपी नेताओं के विरोधाभासी बयानों को ठहराया जिम्मेदार। हुड्डा ने सरकार को दी बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की नसीहत। इंसुलेता दिग्विजय चौटाला ने जाटों का समर्थन किया। कहा जाटों के साथ सड़कों पर उतरने के समर्थन में इंसु। जाटों को मिलना चाहिए आरक्षण। पूर्व की हुड्डा सरकार की वजह से हुआ बवाल। सरकार तुरंत बुलाए विशेष सत्र।
विवाद में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने जाट आरक्षण पर सरकार की जमकर आलोचना की, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कि अभी चौटाला ने जाटों को आरक्षण के मसले पर हर मदद देने का किया है ऐलान, जाटों के समर्थन में सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। मुआवजा स्वामीनाथन आयोग समेत कई मांगों को लेकर हिसार लघु सचिवालय में किसानों ने धरना दिया। INLD ने भी किसानों का समर्थन किया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने फरीदाबाद में देश भर के उप कुलपतियों के साथ की बैठक। बैठक में विद्यार्थियों और स्टाफ से जुड़े 12 प्रस्ताव किए गए। पार्क विश्वविद्यालय में देश के खिलाफ छात्रों की तरफ से देश विरोधी रवैये को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों की तरफ से तिरंगा झंडा फहराने का लिया गया फैसला। पंचकूला में INLD सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले पंच सरपंच और जिला परिषद सदस्यों को दी जीत की बधाई, लेकिन मीडिया से बनाए रखी दूरी। चंडीगढ़ में हरियाणा के नव निर्वाचित युवा सरपंचों ने अपना कामकाज संभालने से पहले ही दबंगों के डर से घबराने लगी हैं। सीएम सिटी करनाल के गांव उनाना में नव निर्वाचित युवा सरपंच सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बनाया। 24 फरवरी से नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। हरियाणा सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती के लिए लिए गए फैसले का असर दिखने लगा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपना फोन नंबर सार्वजनिक किया था और अब यमुनानगर प्रशासन ने स्कूलों को अपने गेट पर डिस्प्ले के जरिए एडमिशन से संबंधित तमाम जानकारियां लिखने के आदेश दिए। दरअसल स्कूल संचालक दाखिले और फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए न सिर्फ अपना नंबर सार्वजनिक किया है बल्कि ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात की है। यमुनानगर के एक निजी कॉलेज में क्रिकेट मैच के दौरान जमकर बवाल हुआ। अंपायर ने जैसे ही एक खिलाड़ी को आउट करार दिया तभी छात्रों ने ऐसा बवाल काटा कि पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ में चोर बेखौफ हैं। इस बार एक चोर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 की कोठी को निशाना बनाया, 50 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हिसार में नाबालिग चारू गुप्ता को पिछले 75 दिनों से पुलिस नहीं ढूंढ पाई। चारू की मां पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। हिसार में कैंडल मार्च निकालकर शहर के लोगों ने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई, चारू की जल्द रिहाई की मांग की। पंचकूला के रामगढ़ की रहने वाली एक लड़की ने हरियाणा पुलिस के एक जवान पर जबरन शादी करने के 2 दिन बाद ही छोड़ने का संगीन आरोप लगाया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पंचकूला के महिला पुलिस थाने में की। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में रोज गार्डन में 44वें रोज फेस्टिवल का आगाज। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आगाज 19 तारीख को होगा। पंजाब हरियाणा के बाद अब हिमाचल की 25 बड़ी खबर। हमीरपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बड़सर में झिरारड़ी के पास जो है अघार सड़क मार्ग की आधारशिला रखी। साथ ही चकमोह से बड़ा सड़क मार्ग पर पुल का उद्घाटन किया और इसके बाद सीएम ने बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सेठ में मंदिर लंगर हॉल की आधारशिला रखी। हमीरपुर दौरे पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मुहैया हो पाए इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आरती के कर्मचारी को हिरासत में लेने के मामले पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को सिर्फ बयान लेने के लिए लाया गया था। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम की तरफ से गिनवाई गई उपलब्धियों को बीजेपी ने झूठ करार दिया। कहा विकास तो हुआ है लेकिन प्रदेश या जनता का नहीं बल्कि माफिया का। हिमाचल बीजेपी का आरोप, वीरभद्र सिंह अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने पर विकास की गाथाएं तो गा रहे हैं लेकिन इस दौरान प्रदेश में सक्रिय हुए भू शराब वन और खनन माफिया पर तमाशबीन बने हैं सीएम।
उधर कांग्रेस का आरोप, जो बीजेपी वीरभद्र सरकार पर माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, उसी बीजेपी की सरकार के दौरान हिमाचल में माफियाओं का राज शुरू हुआ था। हिमाचल कांग्रेस में लगातार बढ़ रहे हैं मतभेद। एआईसीसी सदस्य कुलदीप राठौर ने फिर साधा अपनी पार्टी पर निशाना, बोले अनुशासन भंग करने वाले छोटे और बड़े सभी नेताओं के खिलाफ हो एक समान कार्रवाई। हिमाचल कांग्रेस का कहना है कि राठौर की ये व्यक्तिगत राय है, इससे संगठन या कांग्रेस सरकार का कोई सरोकार नहीं। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अंबिका सोनी से मुलाकात, पंचायती चुनावों का पेश किया रिपोर्ट कार्ड, विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के मामले में देश प्रदेश में सियासत में उबाल, शिमला में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस का आरोप उनके नेताओं के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया तो बीजेपी ने किया पलटवार। हिमाचल प्रदेश की एसएफआई ने शिमला के कॉलेजों में किया प्रदर्शन, जेएनयू के सभी छात्रों को आरोपी मानने का किया विरोध। जेएनयू मामले पर शिमला में एबीवीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। जेएनयू विवाद की चिंगारी अब हिमाचल में देखने को मिल रही है, इस मामले को लेकर एबीवीपी ने हिमाचल के हर जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकालकर देश की एकता खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने ऐसे तमाम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। शिमला में जिला परिषद की औपचारिक बैठक हुई, जिला परिषद के सदस्यों ने अपने अपने इलाकों में विकास कार्यों और समस्याओं से अधिकारियों को रूबरू करवाया। हमीरपुर के बस अड्डे पर युवक के हत्यारे को पकड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम पर बैठे दर्जनों ग्रामीणों को प्रशासन ने 2 दिन का वक्त मांगा उनसे, और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम में शामिल हुए। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कलदेह को मिला सम्मान, हिमाचल के 100 बेहतरीन स्कूलों में शामिल होने पर किया गया सम्मान। कलदेह की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा से 45 किलोमीटर दूर है, जिसने हालातों और सुविधाओं से परे एक ऐसी तस्वीर पेश की जिससे न सिर्फ स्कूल गौरवान्वित है बल्कि दूसरे स्कूलों के लिए भी एक मिसाल बन गया है ये स्कूल। सीएम वीरभद्र सिंह ने स्कूल को सम्मानित किया, साथ ही स्कूल को प्रदेश के 100 होनहार स्कूलों में शामिल किया गया। साल 2013 से लेकर 2015 तक स्कूल के बेहतरीन नतीजों के लिए इस स्कूल को सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से स्कूल में खुशी का आलम है, हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है। स्कूल के अध्यापकों और छात्रों की मेहनत और स्कूल को मिले सम्मान से अभिभावक भी संतुष्ट और उत्साहित नजर आए। दुर्गम हालातों और सुविधाओं के अभाव में अच्छे नतीजे लाना स्कूलों के लिए हमेशा बड़ी और कड़ी चुनौती होती है, लेकिन कलेह का ये स्कूल हर चुनौती पर खरा उतरा। मनाली की सोलंग घाटी की दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंचा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, बर्फ से बनने वाले शिवलिंग का इतिहास जाना। कुदरत के इस करिश्मे के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और ये मंदिर अब नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ चढ़ावा चढ़ाने पर सख्त मनाही है। अंजनी महादेव मंदिर मनाली से 13 किलोमीटर दूर सोलंग घाटी में स्थित है, जहाँ हर साल बर्फबारी के दौरान अमरनाथ की तरह ही ये शिवलिंग अपने आप बनता है। अंतर सिर्फ इतना कि अमरनाथ का शिवलिंग गुफा के अंदर बनता है, जबकि ये शिवलिंग सोलंग घाटी की खुली पहाड़ियों में बनता है। हर दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु कुदरत के इस अद्भुत चमत्कार के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। सोलंग घाटी से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद अंजनी महादेव मंदिर के पास इस हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग के दर्शन करने आए लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। अब कोई भी सुझाव या जानकारी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कीजिए, हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com।
आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं zeepunjab.com पर। इसके अलावा आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश 75 में फिलहाल